हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये मंजुल वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है 1958 की गेम हेक्टर डेक्यू रोसेटो वर्सेस रुडोल्फो 10 कार्डोसो। फ्रेंड्स, बहुत ही लेस नॉन प्लेयर्स, रुडोल्फो फिलीपींस के चेस मास्टर थे और वहीं हेक्टर अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते थे। उन्हें इंटरनेशनल मास्टर भी टाइटल मिला है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हेक्टर ने यहाँ इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ शुरू किया। C5 सिमेट्रिकल इंग्लिश। यहाँ रोडोल्फो ने खेला नाइट C3, नाइट F6, G3, G6, एग्जैक्टली सिमिलर चल रहा है। बिशप G2, बिशप G7, D3, नाइट C6, बिशप G7, नाइट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। A6, देन हुआ नाइट F3 फ्रॉम वाइट साइड। रुक B8 और इसके बाद यहाँ कैसल हुआ वाइट का। B5, देन हुआ B3 और अब ब्लैक ने यहाँ कैसल किया। और अब मैं बात करता हूँ सिमेट्री की, तो काफ़ी हद तक ये गेम सिमेट्रिकल ही लग रही है। बस ब्लैक को अपने बिशप को लाना है G4 स्क्वायर पर। लेकिन रुक C1, D6, क्वीन D2, देन रुक E8 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड। बिशप H6, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, नहीं करने। बिशप H8 यहाँ ब्लैक ने किया। H3, देन बिशप D7, नाइट H4, तो Bxc4, Dxc4, A5, किंग H2, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर। बिशप G5 और फ्रेंड्स आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स हैं बिशप के G5 स्क्वायर पर आने से। क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, तो बिशप G7 फ्रॉम ब्लैक साइड। और फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ इस पॉइंट पर वाइट ज़रूर अपने सेफ पॉन को आगे पुश कर सकता था। मुझे कभी भी नाइट के लिए स्क्वायर अच्छा लगता ही नहीं है। यहाँ से नाइट की कोई डेस्टिनेशन नज़र भी नहीं आ रही है। वेल, बिशप E3 के ऑप्शन को पहले यहाँ हेक्टर ने चुना। बिशप C6 और प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा। F4 नाइट पर अटैक बना और अब ये नाइट गया D7 स्क्वायर पर। पहले ये नाइट अच्छा भला C6 स्क्वायर पर जा सकता था। रीशफल होने के बाद पॉसिबिलिटीज बनती। वेल, नाइट एट E goes to D7, अब गेम में हुआ रुक एट F goes to E1, वाइट ने किया A4। और फ्रेंड्स यहाँ A4 का क्या मतलब है, अगर पॉन एक्सचेंज किए गए तो वीक पोजिशन हो जाती है वाइट के पॉन स्ट्रक्चर में। उसके बाद नाइट B6 स्क्वायर पर आकर दोनों में से किसी एक पॉन को ले लेगा और डेप्थ अटैक बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्वीन गई यहाँ से पहले C2 स्क्वायर पर। Ax b3 पॉन को नहीं लेने दिया है अभी ब्लैक को। एक एक्स्ट्रा क्वीन लगी B7 स्क्वायर पर, तो व्हाइट ने अपने रुक को लगाया B1 स्क्वायर पर। पॉन पर फिर दोबारा डिफेंस हो गया। रुक A8, देन बिशप आया C1 स्क्वायर पर। वाई, क्योंकि रुक क्या ब्लैक यहाँ इसे A3 स्क्वायर पर लेकर आना चाहता था शायद। रुक एट E goes to B8, देन नाइट D5। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद E7 स्क्वायर पर तो अटैक बन रहा है। नाइट एक्सचेंज की कोशिश भी की जा सकती थी। मतलब बिशप F8 कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ पॉन का डिफेंस कर सकते थे। बिशप टेक्स D5 को पहले यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया। E takes D5 और कनेक्टेड पॉन्स की एक अच्छी खासी लड़ी तैयार हो चुकी है। नाइट गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, रुक A7, देन बिशप आया F3 स्क्वायर पर। नाइट के लिए मैं अभी भी मानता हूँ कि बेचारा नाइट एक अजीब से स्क्वायर पर फंसा हुआ है। रुक एट B goes to 8 फ्रॉम ब्लैक साइड। और यहाँ से अब ब्लैक का इरादा क्या है, इस तरह से क्वीन को ट्रैप करने का। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक बीच में आ जाएगा। वेल, किंग G3 पहले ही यहाँ पर हेक्टर ने कर दिया है, तो रोडोल्फो ने यहाँ किया रुक A2, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन रुक A7 फ्रॉम ब्लैक साइड। बिशप D2, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। बिशप C3 और बिशप के C3 स्क्वायर पर आने के बाद देखते हैं क्या होगा यहाँ इस पॉइंट पर। वैसे E5 एम्पसेंट किया जा सकता था या फिर F takes E5 भी किया जा सकता था। खैर वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ खेला गया था E6, मुझे E5 ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रही है। D takes E6 और Knight takes E6 मुझे यहाँ अब ज़्यादा बेटर लग रही है फॉर ब्लैक साइड। लेकिन F takes E6 के ऑप्शन को चुना। आखिर क्यों चुना, क्योंकि डी पॉन आगे पुश होगा, कोई फ़ायदा तो उसका होना नहीं है। वेल, यहाँ खेला गया रुक E3। आई डोंट थिंक नाइट निकाला जाना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई उस नाइट को उस स्क्वायर पर रखे। वेल, नाइट E8, देन रुक एट B goes to E1, रुक्स की बैटरी तैयार हुई। पॉन पर कोई इशू नहीं है अभी और फिलहाल। बिशप टेक C3, क्वीन टेक C3, देन नाइट G7 स्क्वायर पर। बिशप G2, तो G5 यहाँ फाइनली ब्लैक ने किया। क्यों किया, F takes G5। पॉन वीक पॉन है, कोई ज़्यादा कुछ अचीवमेंट होगी नहीं इस पॉन की फिलहाल। वैसे D5 चेक की ऑप्शन है, डिस्कवर्ड चेक यहाँ दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद क्वीन बीच में लग जाएगी, कनेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन नाइट D7 पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया, कोई डिस्कवर्ड चेक नहीं देनी है।
बिशप आया डी फाइव स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ ये क्या किया गया है, वाइट ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया है। अगर अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि ये पूरा फोर्स चेकमेटिंग सीक्वेंस है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आप वीडियो पॉज करें, कोशिश करें यहाँ से समझने की कि आगे ब्लैक क्या चल सकता है और उसके बाद वाइट का क्या गेम स्ट्रेटेजी हो सकती है। आई थिंक जानबूझकर खेला गया मूव है, तो नाइट ई फाइव जैसी ऑप्शन ऑप्ट कर लेनी चाहिए थी। खैर यहाँ पर एक ब्लंडर हुआ ब्लैक से, उन्होंने यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया ई टेक्स डी फाइव, लेकिन यहाँ से भी वो पूरा सीक्वेंस या फोर्स्ड स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है। यहाँ एक और शॉकिंग मूव चला हेक्टर ने, उन्होंने यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस की क्वीन टेक्स जी सेवन चेक। आखिर ये मूव क्या चला गया है? किंग टेक्स जी सेवन होने के बाद जो नाइट बिल्कुल निष्क्रिय था इस गेम में, वो अचानक से एक चेक के साथ एक्टिव होगा, नाइट एफ फाइव चेक। यही काम यहाँ किया गया। इस किंग के जाने के लिए मेरे हिसाब से दो ही स्क्वायर अवेलेबल, आई डोंट थिंक एफ एट स्क्वायर कोई अच्छी ऑप्शन हो सकती है। हाँ जी एट स्क्वायर या जी सिक्स स्क्वायर, चलिए एक बार रखते हैं किंग को जी एट स्क्वायर पर, ताकि अगर यहाँ वाइट का रुख एक और चेक दे तो नाइट कम से कम बीच में आ सके। लेकिन नाइट एच सिक्स चेक, किंग यहां से जाएगा जी सेवन स्क्वायर पर, देन होगा रुक ई सेवन चेक, किंग को फाइनली जी सिक्स स्क्वायर पर जाना ही होगा और लगभग वही गेम चलेगी जो खेली भी गई थी एक्चुअल गेम में। दूसरे रुक से चेक आएगी, बीच में नाइट लगाना है, लगाना ही पड़ेगा और ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। रुक टेक्स एफ सिक्स चेक, देन किंग टेक्स जी फाइव, और उसके बाद यहाँ क्वीन तो कम से कम गई, लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया किंग जी सिक्स, और किंग के जी सिक्स स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ इस पॉन को देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक आराम से ले सकता है। रुक ई सिक्स चेक, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर किंग टेक्स जी फाइव का एक ही मतलब है, एच फोर चेक और ये मेट। तो हेक्टर की स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त थी यहाँ पर। ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है वो अपने नाइट को बीच में लगाएगा, लेकिन हुआ रुक टेक्स एफ सिक्स चेक, किंग टेक्स जी फाइव अब हो गया है। अगर आप चेक देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ इस रुख को लिया जा सकता है, लेकिन हेक्टर ने यहाँ अपने दूसरे रुख को ई सिक्स स्क्वायर पर प्लेस किया। और अगले मूव में क्या थ्रेट है? फिर वही चेकमेट देने की, और इस चेकमेट का कोई इलाज भी नहीं है। रोडोल्फो ने एक चांस लिया अपने रुक को सेक्रीफाइस करके, रुक जी टू चेक, क्योंकि अगर किंग टेक्स जी टू होगा तो उसके बाद एच पॉन की चेक ज्यादा मायने नहीं रखेगी, क्योंकि ब्लैक यहाँ अब इस जी फोर पॉन को आराम से ले सकता है। लेकिन फिलहाल मूव है ब्लैक का, ब्लैक अब क्या मूव चले? ब्लैक ने परफेक्ट मूव चला क्वीन को डी एट स्क्वायर पर ले जाने का, और थ्रेट दी दोनों रुक्स को लेकर अपनी क्वीन को देने की और फर्दर इस गेम में स्ट्रेटेजी या कोई गेम प्लान बनाने की। लेकिन व्हाइट का यहाँ फाइनल मूव आया नाइट ई सेवन, और यहाँ इस मूव के बाद रोडोल्फो ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन का फ्रेंड्स अगर आप यहाँ रीजन देखें, चलिए मैं इसे मूव से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रुक टेक्स ई सेवन के लिए जाएगा, तो उसके बाद सीधा एक मूव आएगा रुक एफ फाइव चेक का, किंग को एच फोर स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन रुक एच फाइव चेक, और ये एक शानदार चेकमेट होगी। फ्रेंड्स बहुत ही गजब की गेम अंशुल वर्मा जी ने हम सभी लोगों को बताई, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।